पृथ्वी को बनाया था, और उसके अंदर का ना जितनी भी सजावट थी वो भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। वैसे ना वो सभी उड़ के हमारे घर में आ गए। और मम्मी, Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm starting a vlog from 9 AM onward. So आजकल ना यार मेरे एग्जाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, और एग्जाम के समय ना मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत कम व्लॉग शेयर करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि एग्जाम के समय ना मेरे आप लोगों के पास ना बहुत कम व्लॉग आते होंगे, यूट्यूब में बहुत कम व्लॉग दिखते होंगे मेरे। तो एग्जाम चल रहे थे और आज है संडे, तो मेरे पास जब भी टाइम होते तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ व्लॉग। तो आज भी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ही व्लॉग ही शेयर कर देती हूँ। तो आज ना जब पापा, मेरे पापा नीचे भी ना व्हीकल को क्लीन कर रहे थे, मैंने पापा से पूछा पापा आप क्या कर रहे थे, पापा ने कहा व्हीकल को क्लीन कर रहा हूँ। फिर मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो 1 वीक पहले की थी। फिर आपने कहा तेरे को इतना नहीं पता आज क्या है, मैं सोचने लगी, मैंने कहा क्या है। फिर उसके बाद पापा ने क्या कहा आप लोगों को पता है, पापा ने कहा आज है विश्वकर्मा दिवस। फिर मेरे को याद है आज तो विश्वकर्मा दिवस, फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी नहीं बना, एक हफ्ते आज व्लॉग भी बन जाएगा और विश्वकर्मा दिवस को हम सेलिब्रेट भी कर लेंगे। ब्रह्मा जी के सात पुत्र को का नाम विश्वकर्मा था, और विश्वकर्मा नाम क्यों पड़ा, तो भगवान ब्रह्मा के पुत्र का नाम विश्वकर्मा इसीलिए पड़ा क्योंकि जो भगवान विश्वकर्मा थे उनने ना पृथ्वी का, जैसे कि आप लोग, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी को बनाया था, और उसके अंदर का ना जितनी भी सजावट थी वो भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी, तो इसीलिए उनका नाम विश्वकर्मा जी पड़ा। और विश्वकर्मा जी, जब विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था तब से हम विश्वकर्मा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और न ये भी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका को भी बनाया था, और भगवान जी के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं जैसे त्रिशूल, चक्र और पुष्पक विमान आदि चीजों का भी उनने बनाया था। तब से ना हम विश्वकर्मा दिवस सेलिब्रेट करने लग गए, और ना इस दिन ज्यादातर ना लोहे की चीजों की पूजा की जाती है, जैसे व्हीकल और भी जितने भी खुदाई के, जैसे हम लोग किसानी करते समय भी जाते हैं जो सामान होता है वो लोहे के होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उत्तराखंड में तो ये त्योहार मनाया जा रहा है, साथ में यूपी, बिहार, पंजाब, क्योंकि यहाँ साइड क्या है ज्यादा, तो फसल गिर जाती है, मजदूर रहता है, तो यहाँ साइड मजदूरों के पास क्या होता है लोहे का सामान, और किसानों के पास लोहे का सामान होता है, तो वो लोग ना ज्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ना हम यहाँ साइड में ना, यहाँ पे अंकल लोगों ने क्या कर रहे हैं, हमारे घर साइड क्या कर रहे हैं, व्हीकल ले रहे, अपनी व्हीकल को एकदम क्लीन कर रहे हैं, और अभी ना बारिश भी चल रही है हल्की फुल्की, तो व्हीकल को क्लीन कर रहे हैं, फिर उससे ना डेकोरेट कर रहे हैं। तो हमने भी ना अपने व्हीकल को क्लीन तो कर लिया है और उनको सुखाने भी रख दिया है, तो मैंने ना थोड़ा सा व्हीकल को क्लीन करने हमने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बना दिए, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। और अभी ना वो धुल गई है और ना हमने उसे सुखाने भी रख दिया है, तो जब ये अच्छे से क्लीन सूख जाएगी ना, अच्छी तरह से सूख जाएगी, तो हम दुकान से ना बैलून्स लेके आएंगे। सो मैं ना वहाँ नीचे जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना इन अंकल के पास बैलून्स नहीं है, तो मैं उधर पुलिस लाइन में जाऊंगी और वहां से ना बैलून्स लेके आऊंगी, बैलून्स रिबन ये सारे सामान लेके आऊंगी। फिर उसके बाद हमारी प्यारी सी गाड़ियों को डेकोरेट करेंगे। हमारे पास 2 व्हीकल है, एक बाइक एंड स्कूटी। तो बाइक ना हमारी बहुत पुरानी, मतलब जब से मैं पैदा हुई ना उसके 1-2 मंथ के बाद आई थी। मेरी बर्थ डेट 19 अक्टूबर, आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैंने इसका भी एक व्लॉग शेयर किया है, तो ना उसमें ना कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने ना उसका ना कुछ वापस से डिलीट करके थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था, तो उसमें भी ना अभी भी तो कॉपीराइट ही है, बट आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो ना तब से मेरे साथ है, मतलब मेरे पैदा होते 2-3 मंथ के बाद मम्मी ने बताया था मेरे को आपकी बाइक आ गई थी, और ना वो इतना साथ दे रही है हमारी। स्कूटी को तो 2-3 ईयर्स ही हुए हैं, और ना हर विश्वकर्मा के दिन हम अपनी दोनों व्हीकल को डेकोरेट करते हैं, वॉश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो अभी ना वो सूख रही है, और ना हम लोग जैसे उनकी पूजा वूजा करेंगे फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो अभी जाते हैं नीचे देखते हैं वो सूख गई है, फिर उसके बाद हम उनको डेकोरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी ना भाभी को और मैं जा रहे हैं नीचे पुलिस लाइन बलून लेने, मुझसे ना बाद में जिद करती दीदी प्लीज मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ, मैंने कहा चल फिर तू भी चल, और पापा ने कहा चलो दोनों चले जाओ, तभी हम दोनों जा रहे हैं एक्साइटेड, वेरी वेरी। तो ये रहा मंगलम स्टोर, यहाँ से लेते हैं हम लोग ऐसे सामान, तो यहाँ पे ना ग्रोसरीज और डेकोरेशन क्लोथ सब मिलता है, तो देखते हैं दुकान खुली है कि नहीं, और जाता है फटाफट, चलो भानू क्योंकि खुली भी नहीं रहती है। तो अभी हो गया हमारे यहाँ पूरी तरह से पोपट, मंगलम स्टोर बंद है, अब क्या करें, ऊपर वाले शॉप में चलते हैं। हाँ ऊपर वाले शॉप में चलते हैं, ऊपर वाले शॉप में हाँ। चलो देखते हैं, मेरे को लग बहुत डर लगती क्या,
सबिना रिबन सिंगल में रहते हम पूरा पैकेट लेके आ गए और बलून भी लेके आ गए। हाँ ये 40 का, ये भी 40 का, दोनों 40 का 80 रुपए। चलो हमने सोचा था हम यहाँ जाएंगे लेकिन हम ऊपर गए से बहुत ऊपर चले गए। आया देख आपका दोस्त भी आ गया। ये रहा हमारा होम स्वीट होम, देखो हमारा इतना प्यारा होम। लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन में, घर में पहुंचे हम, घर में। थकान हो गई? हाँ बहुत ज्यादा हो गई थकान, बहुत बहुत ज्यादा। एक तो चढ़ाई थी ना। हाँ। उसके उससे चलो चलो। सो अभी हम लोग बैठ गए हैं, लबू वहीं पे खड़ा है। लबू आ तू भी आ जा, बैठो आप भी फुलाओगे ना? हम तो फुलाएंगे ही, साथ में आप भी फुलाओगे। ये रहे बलून, कितने लगते हैं? 101 होंगे, नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं। हमने अंकल से कहा भी था, अंकल इसे 101 तो नहीं होंगे। फिर अंकल ने कहा क्यों नहीं होंगे, गिन लो। फिर मैंने सोचा हम लोग तो एक बार गिनने वाले थे बताए अंकल के सामने, लेकिन हमने नहीं गिना ना। तो ये है बलून, इसमें ज्यादातर देखो पिंक है। फुलाए लव, सीधे बैठो, आपको भी फुलाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जितने भी हमारी व्हीकल को डेकोरेशन करनी थी वो कर ली है। अभी मैं मिलती हूं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी ना मैं ना आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये हमारा घर है, उसके सामने पे ना एक पेड़ है। तो उस पेड़ पे ना वेस्ट ने अपना होम बना रखा है। वेस्ट मीन्स ततैया और हमारे पहाड़ साइड इसे अंग्रेयाल भी कहते हैं। तो वेस्ट ने ना अपना घर बना रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो कल क्या हुआ ना, नीचे ताईजी के घर में ताईजी ने देखा कि इतना बड़ा वेस्ट अपना घर बना रखा है। तो ताईजी ने क्या किया, जो हमारे यहाँ ना काउडंग होता है ना, उसे दीवार में लगा के उसे 2-3 दिन तक सुखाने डाल दिया जाता है। तो सूख जाते हैं और यहाँ साइड ना पहाड़ साइड से गुप्तोला कहते हैं। तो उसको ना जला के ताईजी ने उसे जला दिया था और उसके नीचे रख दिया था जहाँ अंग्रेज ने अपना घर बना रखा था। तो क्या हुआ, तो वो जितने भी वेस्ट थे ना वो सभी उड़ के हमारे घर में आ गए। और मम्मी को ना उन्हें इतनी परेशानी हुई। और यहाँ पे भी ना जैसे हमारा दरवाजा है यहाँ पे एकदम ऊपर भी ना पूरा उसने वेस्ट ने अपना वो बना लिया था। और मम्मी ने भी सेम वही प्रोसेस की थी, तो एकदम ब्लैक भी हो गया था। तो घर आगे ना मम्मी पापा हम लोगों ने इसे क्लीन किया और अभी भी ना हल्का फुल्का क्लीन हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो वो देखिए अभी ना हल्का फुल्का ही क्लीन हुआ है अभी ना, और अच्छे से अभी ना और भी आ रहे थे। तो मम्मी के ना मारते मारते मेरी हालत खराब हुई, क्योंकि ना उनके डंक में पॉइजन होता है। और अगर और ना आजकल के थोड़े में एक दो केसेस सामने आ रहे हैं कि वेस्प के काटने से ना ह्यूमन की डेथ हो जा रही है, और ऐसे एक दो पीपल्स की भी डेथ हुई थी। तो ना अभी भी बहुत डर है और अभी भी आ रहे हैं, मम्मी ने मारी है। क्योंकि अगर हम लोग काट लिया ना, तो ज़्यादा काट लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और अगर काट लिया ना सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आप लोगों के घर के आसपास भी वेस्प ने अपना घर बना रखा है ना, तो उसे ना सेफ रहिए। उन्हें ना नीचे से काउडंग के जो गुपचोले होते हैं उन्हें सुखा के उनसे जलाइए। उनसे ना उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ से चले जाएंगे। और अभी भी ना मम्मी ने ऐसे किया था, अभी भी आ ही रहे हैं। और ना मारते मारते मम्मी की हालत खराब, कल परसों थोड़ा पापा मार रहे हैं, मम्मी मार रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें काट लिया ना तो सीधे स्पॉट ऑन डेथ हो जाएगी। अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
सो अभी बज गए 4 और मैं आ गई हूँ किचन में. सो अभी मैं बनाती हूँ मम्मी और पापा की चाय. सो चाय बनाने के बाद मैं मम्मी पापा को दे दूंगी. सो फिर उसके बाद अगले पेपर की तैयारी. सो यही था मेरा आज का ब्लॉग. आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सर्कुलेट करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्ते. बाय बाय.